हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा अपन आज कंटिन्यू करेंगे अपना मॉड्यूलो अरिथमेटिक। अपना टॉपिक चल रहा है मॉड्यूलो अरिथमेटिक, और इसमें अपन आज क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे लीनियर कॉन्ग्यूरेंस के बारे में। लीनियर कॉन्ग्यूरेंस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉन्ग्यूरेंस? मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स कॉन्ग्यूरेंट b mod m, ठीक है, ए एक्स कॉन्ग्यूरेंट बी मॉड एम, और आपको बोला गया है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द कंडीशन, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज को फाइंड करना, इसको बोला जाता है लीनियर कॉन्ग्यूरेंस। इसमें ये जो अपना ए एक्स है, ये ए एक्स क्या है? ये है डिविडेंड, ये ए एक्स है डिविडेंड, ठीक है। इसमें बी क्या है हमारा? बी है हमारा रिमाइंडर, और एम क्या है? एम है डिवाइजर, एम क्या है? एम है डिवाइजर। ये लीनियर कॉन्ग्यूरेंस की इक्वेशन होती है। इसमें आपको x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जो इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। ये अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है, मॉड्यूलो अरिथमेटिक का आज का ये टॉपिक है अपना लीनियर कॉन्ग्यूरेंस। ए एक्स डिविडेंड है, बी रिमाइंडर है, और m हमारा डिवाइजर है। ध्यान रखना, इसमें अपन कहीं पे भी कोशेंट को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर यहां तक? आ गया समझ में? कंटिन्यू करें टॉपिक। देखो, ये इक्वेशन होती है ए एक्स कॉन्ग्यूरेंट बी मॉड एम। अब आपको x की वैल्यूज निकालनी है, ये आपका आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे अपन यहां पे? अपन यहां HCF निकालेंगे। किसका? अपने a और b का। a और b का अपन HCF निकालेंगे, a और m का, a और m का, और उस HCF को अपन बोलेंगे h। मान लेते हैं अपन ने सिंबल दे दिया h, a और m का HCF निकाला, और वो HCF का सिंबल हमने दे दिया h। अब यहां से चालू होता है हमारा केस वन। केस वन, हमारा जो HCF हमने निकाला वो है वन, HCF वन आ गया। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब आपका HCF वन आ जाता है। अब आते हैं केस टू पे। केस टू में मान लो आपका HCF वन नहीं आया, आपका वन नहीं आया HCF, एंड H इज नॉट अ डिवाइजर। H यानी कि HCF, H इज नॉट अ डिवाइजर, H जो है वो डिवाइजर नहीं है। किसका डिवाइजर नहीं है? हमारे b का। b यानी कि जो रिमाइंडर होता है उसका डिवाइजर नहीं है। h इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ b। तो ऐसे केस में हमारा फाइनल रिजल्ट होता है नो सॉल्यूशन। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब आते हैं अपन किस पे? अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस में आपका h वन नहीं आया, h आपका वन नहीं आया, ठीक है, एंड h इज अ डिवाइजर यानी कि फैक्टर। h इज अ डिवाइजर यानी कि फैक्टर ऑफ b। इसका मतलब इस सिचुएशन में आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? x इक्वल टू x जीरो, ये आपका पहला सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू x जीरो प्लस m अपॉन h। m होता है आपका डिवाइजर, h है आपका HCF, h क्या है? HCF। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन है x0 प्लस 2m अपॉन h। से लेकर आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। यहां आ जाएगा h माइनस 1 m इंटू h। ये आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये अपना थर्ड केस है। इस केस में देर आर मेनी सॉल्यूशंस जिनको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
अब यहां पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि यार ये एक्स जीरो है क्या, ये एक्स जीरो क्या चीज है। तो यहां ये याद रखना है, एक्स जीरो इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जीरो इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन यानी कि ये, इसको सैटिस्फाई करने वाली जो सबसे छोटी वैल्यू है एक्स की, उस सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स जीरो। तो ये तीन पॉसिबल सिचुएशंस होती है, या तो आपका एच सी ए वन आएगा तो आप लिख दोगे यूनिक सोल्यूशन, वन नहीं आया और फैक्टर भी नहीं है डिवाइजर यानी कि फैक्टर, तो आप लिख दोगे नो सोल्यूशन। एच सी एफ वन नहीं आया लेकिन एच सी एफ आपका जो फैक्ट है वो फैक्टर है आपके किसका, रिमाइंडर का, बी यानी कि रिमाइंडर। तो उस केस में बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, ये बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। क्लियर, आ गया समझ में। ये टॉपिक चल रहा है अपना किसका, लीनियर कॉन्ग्यूरेंस मॉड्यूलो अरिथमेटिक में आज अपन पढ़ रहे हैं लीनियर कॉन्ग्यूरेंस, यानी कि आपको इस तरीके की इक्वेशंस दी जाएगी, क्लियर, और आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज के बारे में कमेंट करना है। तो एक बार पॉज करो और उसको ढंग से कॉपी करो, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। देखो यहां क्या लिखा है, लीनियर कॉन्ग्यूरेंस। लीनियर कॉन्ग्यूरेंस ये होता है, ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया, इसको लीनियर कॉन्ग्यूरेंस बोलते हैं। ये बताना है कि कौन सी लीनियर कॉन्ग्यूरेंस में नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन का रूल होता है कि जो आपका एच सी एफ है, पहली बात तो वो एच सी एफ वन नहीं आना चाहिए, और साथ में एच सी एफ इज नॉट अ डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि फैक्टर, ये डिवाइजर यानी कि फैक्टर नहीं होना चाहिए, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ बी, बी का वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या है, ये हमारी नो सोल्यूशन के रूल्स है, ये दो रूल्स है। तो मुझे ये देखना है कि ये दो रूल्स इनमें किस में अप्लाई हो रहे हैं। यहां ध्यान रखना एच क्या है, एच सी एफ है, किसका एच सी एफ है, ए का और एम का। एच सी एफ इज, एच इज एच सी एफ ऑफ ए एंड एम, ए सबसे आगे होता है, एम सबसे लास्ट में होता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, मैं मेरे फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, यहां पे मेरा ए है थ्री और यहां जो मेरा एम है वो है सिक्स। तो अब मैं यहां अगर एच निकालने जाऊंगा, ठीक है, यानी कि मैं एच सी एफ निकाल रहा हूं थ्री और सिक्स का, तो वो आएगा थ्री। क्या ये एच सी एफ मेरे डिवाइजर का फैक्टर है, मेरा डिवाइजर है टू, सॉरी रिमाइंडर, बी यानी कि रिमाइंडर, बी का यानी कि रिमाइंडर का ये थ्री फैक्टर है क्या, थ्री इज नॉट अ फैक्टर यानी कि डिवाइजर ऑफ टू, तो हेंस ये नो सोल्यूशन की कंडीशन है अपने लिए, क्योंकि इसने दोनों बातों को सेटिस्फाई करा, एच सी एफ इज नॉट इक्वल टू वन पहली बात सेटिस्फाई हो गई, एंड इट इज नॉट अ फैक्टर ये दूसरी बात सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है भाई, सेकंड पार्ट पे हमारा ए है फोर, एम हमारा है थ्री और बी कितना है, बी है हमारा वन, ठीक है। तो एच सी एफ निकालते हैं किसका, फोर और वन का, वो कितना आया वन, एच सी एफ वन आ गया, इसका मतलब ये तो यूनिक सोल्यूशन का केस है। तो यहां हम आगे बात नहीं करेंगे, ये नो सोल्यूशन का केस है ही नहीं। नेक्स्ट अब आते हैं किस पे, थर्ड पार्ट पे, इसमें हमारा ए है टू, सबसे आगे होता है ए, सबसे लास्ट में जो है वो होता है हमारा एम, और ब्रैकेट के पहले हमारा रिमाइंडर होता है विच इज बी। तो अब यहां मैं क्या निकालूंगा, फिर से एच सी एफ निकालूंगा ए और एम का, ये मेरा एच सी एफ आया वन, एच सी एफ वन आ गया, यानी कि ये भी मेरी यूनिक सोल्यूशन की ही कंडीशन है, तो इसमें भी नो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
अब आते हैं किस पे, फोर्थ पार्ट पे। ये चीज आपको याद रखनी है, इसको मैं हटा रहा हूं अब, ठीक है ना। HCF 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो यूनिक सॉल्यूशन, 1 नहीं है तो आप देखो कि आपका H B का फैक्टर है या नहीं है, अगर नहीं है तो ही वो नो सॉल्यूशन का रूल होता है, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो अब इसकी अपने को नीड नहीं है, ये चीज याद होनी चाहिए अपने को। तो अपन आगे बढ़ेंगे किसमें, फोर्थ पार्ट पे। अब आते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपका ए है क्या, 7 नहीं, हाँ फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है ना, ये है फोर्थ पार्ट, अरेंजमेंट गलत हो गया। ए है भाई हमारा 5, ठीक है, एम है हमारा 4 और बी है 3। ये हमारा ए, एम और 4 है। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे, किसका, ए और एम का, 5 और 4 का, वो कितना हुआ, 1। ये है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन का केस है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये किया था अपन ने अपना सिक्स्थ पार्ट, ठीक है ना, सिक्स्थ पार्ट किया था ये। अब आते हैं किस पे, सेवेंथ पार्ट पे, सेवेंथ पार्ट करेंगे, नहीं सिक्स्थ के नीचे है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में फटाफट देख लो, ए क्या है, ए है हमारा 4, ठीक है, एम क्या है 12 और बी है हमारा 2। तो अब पहले अपन HCF निकालेंगे, 4 और 12 का, वो कितना आया 4। HCF इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, पहली बात सेटिस्फाई हो गई। अब यहां जो HCF है आपका 4, क्या वो इस B का फैक्टर है, 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, ये फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं होना चाहिए, यही तो बात है, यही तो होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, कि भाई फैक्टर नहीं है, यही तो चाहिए था हमको, तो यहां भी नो सॉल्यूशन होगा, क्लियर। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कौन सा पार्ट, ये हो गया, अब आप करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में ए है अपना 5, एम है 4 और बी है कितना 3। तो ए और एम का HCF निकालेंगे, 5 और 4 का, वो कितना निकलेगा 1। ये किसका रूल है, ये है हमारे यूनिक सॉल्यूशन का रूल, तो ये भी नो सॉल्यूशन का नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब क्या करें भाई, अब करते हैं लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा है अपना, लास्ट है हमारा 7th। अब तो आपको आ गया समझ में क्या करना है, ए है हमारा 12, एम है 9 और बी है 5। HCF निकालेंगे किसका, 12 और 9 का, यानी कि ए और एम का, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। 3 5 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो बात क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन की हो रही थी, तो अपने जो आंसर्स है वो क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और सेवेंथ पार्ट है, ये तीन कंडीशंस है जिनमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंस। आपको यहां पे दो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है, मॉड्यूलो इक्वेशंस गिवन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, यानी कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये बताना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है 3x कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड 9, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब मैं यहां HCF निकालता हूं किसका, 3 और 9 का, तो ये HCF आएगा 3, ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर, 3 क्या है, फैक्टर है किसका, है 6 का, 3 और 9 का जो HCF है वो 3 है और साथ में 3 6 का फैक्टर है। इसका मतलब यहां पे यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन ये दोनों केस रिजेक्ट हो गए। ये आ गया किस पे, कि भाई यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं,
और उन सॉल्यूशंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशंस को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आएगा एक्स जीरो प्लस एम अपॉन एच, एच यानी कि एच सी एफ, एच यानी कि एच सी एफ। नेक्स्ट आएगा एक्स जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एच से लेकर लास्ट वैल्यू आएगी एक्स जीरो प्लस एच माइनस वन एम अपॉन एच। यहां तक हमारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, यानी कि देर आर मेनी सॉल्यूशंस। रीजन क्यों है मेनी सॉल्यूशंस? क्योंकि आपका एच सी एफ एक तो वन नहीं आया, अगर वन आता तो आप बोलते यूनिक सॉल्यूशन है, वन नहीं आया। इसके बाद आपने देखा कि जो एच सी एफ है वो हमारे इस रिमाइंडर सिक्स का फैक्टर है क्या? तो भाई फैक्टर भी है, यानी कि सिक्स थ्री से डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं हो सकता था तो आप बोल देते नो सॉल्यूशन, लेकिन यह फैक्टर है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों को फॉल्स कर रहा है। तो अपन इस फॉर्मूले से यहां पे अब इसके पॉसिबल आंसर्स निकालेंगे, जिसमें ये एक्स इक्वल टू एक्स जीरो क्या है? इट इज द लीस्ट वैल्यू, इट इज द लीस्ट वैल्यू सैटिस्फाइंग, ये सबसे छोटी वैल्यू है जो किसको सेटिस्फाई कर रही है? इक्वेशन वन को। ये सबसे छोटी वैल्यू है जो किसको सेटिस्फाई कर रही है? इक्वेशन नंबर वन को, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे एक्स जीरो के बारे में सोचना है कि यार ये कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो मैं रैंडमली अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, ये अलग अलग वैल्यूज मुझे पुट करनी है और चेक करना है कि कब नाइन से डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर सिक्स आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करें अपन? अपन यहां एक्स की जगह लिखते हैं, देखो फाइव, अगर मैंने एक्स की जगह फाइव लिखा तो मेरा थ्री एक्स क्या बन जाएगा? फिफ्टीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन को अगर मैंने नाइन से डिवाइड करा तो नाइन वन जा नाइन, मेरा रिमाइंडर आ गया सिक्स, यानी कि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, कब? जब एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी? फाइव। इस चीज पे मेरी कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो यहां पे मुझे मेरा एक्स जीरो मिल गया। क्या है मेरा एक्स जीरो? मेरा एक्स जीरो है फाइव के इक्वल, ठीक है। एक्स जीरो किसके इक्वल है? फाइव के, क्लियर। तो अब मैं यहां पे आगे सॉल्व करना चालू करूंगा। अब अपन एक्स जीरो की वैल्यू निकालेंगे। लेट एक्स जीरो इज इक्वल्स टू फाइव, देन 3x is equals to 3x0 यानी कि 3 into 5 which is equal to 15, ठीक है। Leaves remainder, leaves remainder 6 when divided by 9, ये 9 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमको देगा क्या? रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर देगा 6। तो ये आपकी पहली वैल्यू है, ये आपका पहला सोल्यूशन है। अब आप नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एम अपॉन एच, इससे निकालोगे। x जीरो क्या है? x जीरो है मेरा 5, m m यानी कि ये 9 डिवाइड बाय h, मेरा एच सी एफ जो कितना है 3, तो ये कट गया 3, 5 प्लस 3 मेरा हो गया 8। क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई मेरी 8। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एच इक्वल्स टू फाइव प्लस ट्वाइस ऑफ नाइन अपॉन थ्री, तो मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया 11। तो मेरे तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। मैं और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मैंने यहां टू के बाद थ्री का केस क्यों नहीं लिया? देखो जो आपका लास्ट केस है वो क्या है? एच माइनस वन एम अपॉन एच, यही है ना। अब आप h की जगह 3 पुट करो, h की जगह 3 पुट करो तो 3 माइनस वन कितना आएगा? 2। तो ये तो 2 वाला केस यही हो गया। इसलिए यहां पे जो मेरे पॉसिबल आंसर्स हैं, जो मेरी पॉसिबल x की वैल्यूज है वो क्या है? 5, 8 और 11। मैं x की जगह 5, 8 और 11 अगर इस इक्वेशन में अप्लाई करूंगा तो मेरा हर बार 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा, ठीक है। आ गया समझ में? इजी है, तो एक बार पॉज करेंगे और इसको खुद से ढंग से ट्राई करेंगे।
अब आते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 12x कॉन्ग्रुएंट 9 मॉड 15। मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने, तो सबसे पहले मैं एच निकालूंगा, यानी कि HCF निकालूंगा। किसका, अपने 12 और 15 का। किसका HCF, 12 और 15 का। 12 और 15 का HCF क्या होता है भाई, ये होता है 3। ये मेरे H की वैल्यू है। अब 3 चेक करो, 9 का फैक्टर है क्या, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, 3 9 का फैक्टर है, क्लियर। अगर 3 9 का फैक्टर है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये दोनों केसेस तो रिजेक्ट हो गए। मतलब अब यहां हम आ गए किस पे, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लीस्ट वैल्यू के बारे में सोचते हैं। मैं यहां पे 12x में x की जगह क्या पुट करूं, जिससे 15 से जब डिवाइड हो तो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, 9। 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ जाए, 9। तो मैं यहां लिखूंगा x इक्वल टू x जीरो इक्वल्स टू 2 इज द लीस्ट वैल्यू। ये मेरी लीस्ट वैल्यू है, आप चेक करके देख लो, ये लीस्ट वैल्यू है। क्योंकि जब आप यहां 2 पुट करोगे तो 12 टू जा क्या हो जाएगा, 24। सिंस 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 15 विल लीव रिमाइंडर 9। जब हम 22 को 15 से डिवाइड करेंगे, 24 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9। अब आते हैं आगे के सॉल्यूशंस पे, कि भाई आगे सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन निकलेगा x इक्वल टू x जीरो प्लस m अपॉन h। तो यहां पे x जीरो क्या है, x जीरो है 2, m क्या है मेरा 15, और h HCF क्या है 3। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया 7। फिर नेक्स्ट क्या निकलेगा, x जीरो प्लस 2m अपॉन h। तो ये हुआ 2 प्लस 2 इंटू 15 अपॉन 3, ये हो गया 5, 5 टू जा 10, 10 प्लस 2 हो गया 12। लास्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, x जीरो प्लस एच माइनस 1 एम अपॉन एच, यही होता है। अब आपका h क्या आया, 3। 3 आप यहां पुट करोगे तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये चीज तो इससे मैच कर रही है, ठीक है, ये चीज इससे मैच कर रही है, क्लियर। यहां तक ये मैच कर गए, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को और आगे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जाके इससे मैच कर गया, तो सेम है। तो मेरे पॉसिबल वैल्यूज क्या है x की, मेरी x की पॉसिबल वैल्यूज हुई, पहले तो सबसे छोटी वैल्यू विच इज 2, उसके बाद अगली वैल्यू आई 7, और फिर आई 12। तो 2, 7 और 12, ये x की तीन पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, आ गया समझ में। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, जब भी देखो सॉल्व वर्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब यह है, यू हैव टू फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स जीरो बल्कि, यानी कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है जिसपे आपकी ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, 3x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 7। मतलब मैं 3x को 7 से डिवाइड करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो मेरा रिमाइंडर है वो आ जाए 2। 3x को मैं 7 से डिवाइड करूंगा और मेरा रिमाइंडर आ जाए 2। तो मुझे ये सोचना है कि x की क्या सबसे छोटी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो यार x की वैल्यूज जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही बढ़ेगी। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे ऐसे, और हर बार 7 से डिवाइड करेंगे ओरली और चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 2 कब आ रहा है, ठीक है यहां तक। तो अब यहां पे अपन लिखते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3, देन 3x जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। सिंस जब आप 9 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, 2, यही तो चाहिए।
सो देयरफॉर एक्स जीरो इक्वल्स टू थ्री इज द सॉल्यूशन। ये सबसे छोटी वैल्यू है। नो डाउट और भी वैल्यूज निकल सकती है, लेकिन अपन जब भी सॉल्व वर्ड देखेंगे तो अपन सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ही निकाल देंगे। क्लियर, आ गया समझ में? इजी है। नेक्स्ट, अब आते हैं किस पे, अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? 16x कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड 17। एक बार आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे पॉज करके। 16x कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड 17, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 17 से उसको डिवाइड करूंगा और फिर मेरा रिमाइंडर निकलेगा 8। मुझे x की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के बारे में सोचना है, ठीक है? तो अब अपन यहां पे सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है 16x कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड 17। फिर से मेरी x की वैल्यूज वही 1 से चालू होगी और एक एक करके आगे बढ़ती जाएगी। हर बार मैं मेरी x की वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 से डिवाइड करूंगा और सोचूंगा, मतलब चेक करूंगा कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 8 कब आ रहा है। तो यहां पे ये जो वैल्यू है वो निकलेगी 8 पे। 16x हो जाएगा मेरा 16 मल्टीप्लाई बाय 8। कितना हुआ ये? ये मेरा हो गया 128। किसके इक्वल हो गया? 128। अब अगर मैं 128 को 17 से डिवाइड करता हूं तो देखना है यहां पे, ये बड़ी ही यूनिक चीज है। 128 को आप 17 से डिवाइड करने जा रहे हो, आपने यहां लिख दिया 7, यहां आ गया 119, रिमाइंडर हो गया 9, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 8। तो अब क्या करें? अब देखो 128 को मैं ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूं 17, और मैं यहां कर देता हूं 8। 17 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 17 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो 136। 7 8 56 का 5 कैरी गया। अब यहां जो रिमाइंडर है वो मेरा क्या आ गया, 8। ठीक है, क्लियर? अब रिमाइंडर मेरा मैच करता है, इसलिए जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है, 8। सो देयरफॉर x 0 इक्वल टू 8 इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो अपनी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, इसको लिखते कैसे, इसको स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसके लिखने का? इसमें आप यहां लिखोगे x, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल लगाओगे, फिर आपकी वैल्यू लिखोगे 8 और फिर ब्रैकेट में लिखोगे मॉड 17। ये इसका सबसे बेसिक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। ऐसे ही जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मेरी x की वैल्यू निकली थी 3, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, x मेरा आंसर 3 और मॉड क्या है, 7, मॉड 7। मॉड की चीज क्वेश्चन से कॉपी हो जाती है, इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इजी है, तो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन किस पे, अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट 33x कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 17। 33x को मैं 17 से डिवाइड करूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिमाइंडर है वो आ जाए 2। मान लो x की वैल्यू है 1, ठीक है? तो x की वैल्यू अगर 1 है तो मेरा आया 33। 33 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो जो मेरी वैल्यू है 17, ठीक है, रिमाइंडर निकल जाएगा 16। कहीं से भी मैच नहीं कर रही है बात। अगली वैल्यू मैंने ली जैसे x की जगह 2, तो मेरा ये आ गया 66। 66 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 3 51, 17 3 51, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया 15। ये भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी तो मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे मुझे मेरी वैल्यू को सोचना है। तो अब यार यही जो मेरा 66 है, मैं इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूं, 17 66, 17 4 68, रिमाइंडर हो गया मेरा -2। कर रहा है मैच, ठीक है? तो इस तरीके से भी तो डिविजन हो सकता है। यानी कि यहां जो मेरी x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, अपनी 2।
सेंस 66 लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। आप यहां ये नोटिस करना, मैं माइनस 2 को भी 2 में ही कंसिडर कर रहा हूं। रीजन क्योंकि यहां पे साइन जो है वो मैटर नहीं करता, जो वैल्यू है ना वो सिमिलर होनी चाहिए। सो देयरफॉर यहां क्या लिखेंगे, x कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 17, यानी कि जो हमारा लीस्ट आंसर है वो 2 है। यहां x की जगह 2 पुट करोगे तो 66 आएगा, जिसको 17 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 2 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं किस पे, अपने फोर्थ पार्ट पे। 37 कॉन्ग्रुएंट 2x मॉड 11, यानी कि मैं 37 को 11 से डिवाइड करूंगा और मेरा रिमाइंडर आना चाहिए 2x। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि x इस बार आप देखो यहां नहीं है, 37 के साथ लेफ्ट में नहीं है, रिमाइंडर के साथ x है, तो ये बड़ी ही इजी बात है। इसमें मुझे सीधा सीधा क्या करना है, डिवीजन करना है। 11 थ्री जा 33, रिमाइंडर लिख दिया मैंने 4, तो लेट 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2, खत्म। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, x कॉन्ग्रुएंट 2 और मॉड में 11, x कॉन्ग्रुएंट 2 और मॉड में 11। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, 7x कॉन्ग्रुएंट 13 मॉड 11। ठीक है, मुझे यहां पे x की वैल्यू सोचनी है। अब आप यहां जरा ये देखना ढंग से, जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है 13, और जो आपका डिवाइजर है वो क्या है 11। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो अपन यहां पे 13 माइनस 11 करेंगे, उससे मेरा आएगा 2, तो मैं मेरा यहां रिमाइंडर चेंज करूंगा। अब मेरा जो स्टैंडर्ड रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो मैंने जैसे ही यहां देखा कि 13 रिमाइंडर है वो 11 डिवाइजर से बड़ा है, तो उसको कन्वर्ट कर लो। अब ये मेरा मेरे लिए क्वेश्चन बन गया। अब मुझे इसके बारे में सोचना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यहां पे सेटिस्फाई करेगी 5। पुट x इक्वल्स टू x जीरो इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा 7 5 35, सिंस 35 लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। 35 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या निकलेगा, 2। तो ये हो गया x कॉन्ग्रुएंट रिमाइंडर क्या है, वैल्यू क्या है 5, और मॉड क्या है 11, यानी कि डिवाइजर क्या है 11। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं अब अपन अपना सिक्स्थ पार्ट करेंगे। 7x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5। 7x को 5 से डिवाइड करना चाहते हो और आंसर लाना चाहते हो, रिमाइंडर लाना चाहते हो 3, तो आप x की वैल्यू सोचोगे। अब तो मैं यहां लिखूंगा पुट x इक्वल्स टू x जीरो इज इक्वल टू 4, सिंस 7 4 28 लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 28 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 25, 28 में से 25 गया, तो मेरा रिमाइंडर क्या निकलेगा, 3। आगे आंसर, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अब अपना सेवेंथ लास्ट पार्ट, 5x कॉन्ग्रुएंट माइनस 3 मॉड 7। ये रिमाइंडर नेगेटिव साइन में दे रखा है जो गलत है, अपन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो अपना करेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 7 में माइनस 3 को ऐड करो तो ये बन गया आपका 4। क्या बन गया भाई, 4, यानी कि ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है। आप x की ऐसी वैल्यू सोचो जो आप 5x में पुट करोगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करोगे
और रिमाइंडर लेके आओगे 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने बोला आप x की जगह एक काम करो 4 लिख लो, तो 5 4 हो गया 20, 20 को आपने 7 से डिवाइड करा, तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, रिमाइंडर तो हो गया 6, ये तो मैच नहीं करा, तो मैंने बोला x की जगह 5 पुट करके देख लो, तो पुट x इक्वल टू x जीरो इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, चेक करके देख लो, 7 3 21, 25 में से 21 जाएगा तो 4 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x कॉन्ग्यूरेंट क्या है हमारी लीस्ट वैल्यू 5, डिवाइजर क्या है 7, ये हमारी लीस्ट वैल्यू है। क्लियर आ गया समझ में? अगर इन्हीं भी किसी भी क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन होता फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो अपन इसको किस तरीके से करते, अपन करते किस तरीके से, जिस तरीके से अपन ने पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 करा था, जिसमें आप क्या करते, आप अपने 7 और 5 का HCF निकालते, वो आता 1, चेक करते कि 1 3 का फैक्टर है क्या, है भाई फैक्टर, तो HCF 1 है, तो फिर आप आगे अपने सॉल्यूशंस की वर्किंग करते। तो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो ये वाला लॉजिक लगता है, ये फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात है, यानी कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आपने सारे निकाल दिए, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं अपन ने सारे निकाल दिए, ये तो है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से ये फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे आता है कि भाई जितने भी सॉल्यूशंस हैं सारे निकाल दो। यहां है सॉल्व, सॉल्व का मतलब अपन क्या समझते हैं, फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालो, और आंसर को किस फॉर्म में छोड़ोगे, इसका भी आंसर किस फॉर्म में लेके आओगे आप, इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, एक्स कॉन्ग्यूरेंट क्या वैल्यू थी 4, डिवाइजर क्या चल रहा है 5। ठीक है, इस तरीके आंसर को अपने को रिप्रेजेंट करना होता है, ये करेक्ट फॉर्म है आंसर की। आ गया समझ में? इजी है, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, लीनियर कॉन्ग्रेंस के बारे में, लीनियर कॉन्ग्रेंस होता क्या है और लीनियर कॉन्ग्रेंस की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, नो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, और अगर ये दोनों ही नहीं है और बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनको कैसे फाइंड करते हैं। प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है वीडियो को दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।